जलगंधों तक हो जाता है इसमें बदलाव से, यात्रा तीर्थ यात्रा हो जाती है, सफल तीर्थ यात्रा हो जाती है इस बदलाव से। इसलिए अपने को बदलिए, अपने को बदलिए, अपने को बदलिए। सामने वाला कुछ बोले आप चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप नहीं रहता है आदमी। इतना बेईमान, इतना बेईमान है, चुप नहीं रहता है। अगर सामने वाला गुस्से में है और गुस्से में अगर आपको बोला कुत्ता और आपने भौंकना शुरू कर दिया, गलत क्या कहा? सोचिए, सोचिए, अगर सामने वाला गुस्से में है और उसने आपको कहा कुत्ता और आपने भौंकना शुरू कर दिया, उसने गलत क्या कहा? गलत तो उस वक्त होता जब आप चुप रहते, गलत तो उस वक्त होता जब आप चुप रहते, मगर चुप नहीं रहता आदमी, जवाब देता है और उसका उसकी गाली पूरी भी नहीं हो पाती है और आदमी उससे पहले अपनी गाली दे लेता है। उसको लगता है अगर इस गाली का जवाब मैंने तुरंत नहीं दिया तो मेरा स्वर्ग का सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। नहीं, चुप रहिए। महावीर के जीवन की घटना है, 12 साल तक चुप रहे। बाहुबली स्वामी 1 साल तक चुप रहे। आप 1 घंटे तो चुप रहिए, आधा घंटे तो चुप रहिए, 15 मिनट तो चुप रहिए, 10 मिनट तो चुप रहिए, 5 मिनट तो चुप रहिए, 5 मिनट, 5 मिनट। एक दिन मैंने प्रवचन में लोगों से कहा 12 बजे से लेके 12:05 तक आप चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं। सबने कहा हाँ महाराज, आपका नियम का पालन करेंगे। सब लोग अपने अपने गए। 12 बजे बोले अब नियम शुरू होता है। इसी बीच फोन की घंटी खनखनाई, उन्होंने अपना फोन निकाला, ऑन किया और बोला 10 मिनट बाद बात करना, अभी मेरा मौन चल रहा है। अब बोलिए, अब बोलिए, अब बताओ क्या करें? मौन रहिए, सुबह सुबह 1 घंटा मौन रहिए। मां बहन भोजन में जो भी परोस दे चुपचाप खा लीजिए, नमक कम है तो बोलिए मत, मांग मांग के खाइए मत, मांग मांग के खाइए मत। अजी रोटी लाओ, अजी पानी लाओ, अजी नमक लाओ, अजी सब्जी लाओ, अजी ये लाओ, अजी वो लाओ, मांग मांग के कौन खाता है? बोलो बोलो, मांग मांग के, मांग मांग के कौन खाता है? भगवान महावीर ने कहा सम्यक दृष्टि बनो। सम्यक दृष्टि यानी हंस दृष्टि। हंस के बारे में कहा जाता है दूध पानी मिलाकर रख दो, हंस दूध दूध पी लिया करता है, पानी पानी छोड़ दिया करता है। ठीक इसी तरह से इस देश के महापुरुषों ने कहा कितना भी गरीब हो और कितने भी गरीब की झोपड़ी क्यों ना हो, पर गरीब की झोपड़ी में भी, गरीब से गरीब आदमी की झोपड़ी में भी कम से कम 1 दरवाजा जरूर होगा। गरीब से गरीब, गरीब से गरीब झोपड़ी में, गरीब से गरीब की झोपड़ी में भी कम से कम 1 दरवाजा जरूर होगा। ठीक इसी तरह से पापी आदमी में भी एक ना एक सद्गुण जरूर होगा। शीशी में अगर डांट हो तो शीशी का अंदर का जो पदार्थ है वो सुरक्षित रहता है, ढक्कन। अगर शीशी में डांट हो तो अंदर का पदार्थ सुरक्षित रहता है। ठीक इसी तरह से अगर बच्चों के ऊपर माँ बाप की डांट हो तो बच्चों का जीवन भी सुरक्षित रहता है।
बच्चों से कहूंगा, अगर कभी तुम्हारे माँ बाप डांट दे, माँ बाप की डांट का बुरा मत मानना, बल्कि यह सोचना गलती करने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो फिर और कौन डांटेगा। गलती करने ये सोच रहा है कि विचार अपने दिल दिमाग में लाना कि गलती करने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा। पिछले दिनों विधानसभा में संबोधन देने के लिए मैं गया, मैंने विधानसभा के उस संबोधन में जो मेरे सामने जनप्रतिनिधि बैठे थे, मैंने कहा संत और नेता दोनों भाई भाई हैं, क्योंकि दोनों पर ही समाज सुधार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने कहा कि मैं भाई भाई हूं, और फिर यह भी बताया कि राम का भाई लक्ष्मण तो हो सकता है, रावण नहीं हो सकता है। मैंने यह भी कहा कि कृष्ण के भाई बलराम तो हो सकता है, कंस नहीं हो सकता।